लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके 20 साल के संबंध है, सरकार पूरी तरह स्थिर है, किसी भी तरह से सरकार पर कोई संकट नहीं है। जायसवाल ने ऑल इज वेल कहते हुए मीडिया से चर्चा में सफाई दी कि उनका वायरल वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। मैं शुरू से सीएम कमलनाथ के साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। विधायक हरदीप डंग के इस्तीफे को लेकर जायसवाल ने कहा कि मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। यहाँ तक बयान की बात है, देखो बयान एक बार तोड़ मरोड़ के बयान भी समझ में आता है, लेकिन जो बयान दिया ही नहीं गया उसको ऐसा रिफ्लेक्ट करके दिखाया जा रहा है कि बागी तेवर सरकार रहे अथवा न रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शिवराज रहे या कमल रहा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बयान आप लोग बताओ तो कौन से वीडियो में, कौन से ऑडियो में आप ऐसा बयान मेरे को बताओ तो आप लोग कि सरकार रहे अथवा न रहे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कहाँ बोला? मैंने ये बोला कि मैं माननीय कमलनाथ जी के साथ 20 साल से हूँ, जब तक मुख्यमंत्री तब तक उनके साथ रहूँगा। मैंने बीजेपी की जो अभी जो कवायद हुई इसको मैंने कहा है कि बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व का उसमें संरक्षण था, उसके कारण वो भी फ्लॉप हो चुका। मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री एक साल पूरा हुआ है, अभी थोड़े बाद जो लोगों नाराजगी बजट के बाद नाराजगी भी दूर हो जाएगी बजट के बाद, और आगामी 4 साल बहुत उपलब्धिपूर्ण रहेगा मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश उपलब्धिपूर्ण रहेगी है ना आगामी 4 साल। ये सब तो कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि शिवराज रहे या कमल रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार रहे अथवा न रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक आध चैनल वाले बताए तो कहाँ पर है? मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह के गैर जवाबदारी जो बातें हुई है कुछ चैनलों द्वारा, इसके मुश्किल लेकर मुझे बहुत नाराज़ है। गुड्डा भैया कि अब वीडियो वायरल किया गया, टेम्पर्ड किया गया, ये मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मनगढ़ंत बयान दिखाया गया। सर, जिस तरह की परिस्थितियाँ अभी बनी है, क्या लगता है कि विधायकों की जो नाराजगी थी वो सामने आई है? इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। किसी का इस्तीफा नजर आ रहा है, सब लिखे हैं, जवाबदार लोग हैं, है ना? हाँ, कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, इसकी जानकारी तो मुझे अभी नहीं है। शाम को कैबिनेट के बाद शाम को क्या स्थिति रहेगी उसके बाद सरकार के साथ में हूँ। पहली बार जब निर्दलीय चुनाव जीत के आया था मैं, मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं दी थी, उसके बाद भी मैंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं किया, और निर्दलीय चुनाव जीत के आगे बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन किया मैंने, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद मेरे पर उंगली उठाई जाए आपके चैनल के माध्यम से, इससे मुझे बहुत दुख है। तो मेरी आस्था पे प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, ऐसी विपरीत परिस्थिति मैंने साथ दिया मैंने, और 20 साल से माननीय कमलनाथ जी के साथ मेरे संबंध है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं मेरे, और आज भी हूँ, कल भी हूँ, जब तक कमलनाथ जी तब तक मेरा साथ है, पूरी सरकार को मेरा पूरा साथ। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।